नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप उबुंटू डेस्कटॉप को जो है मतलब स्पीड अप कर सकते हैं। कि मतलब बहुत सारे अगर आप सॉफ्टवेयर लोड करेंगे उबुंटू में तो स्टार्टअप के समय वो जो है सो आपके सिस्टम को बहुत ही स्लो बना देंगे। तो ये देख सकते हैं मेरा डेस्कटॉप, ये उबुंटू डेस्कटॉप है। हालांकि आपको ये मैक ओएस लग रहा होगा लेकिन ये उबुंटू है। प्रूफ के लिए आपको दिखा देते हैं ये उबुंटू है या नहीं। तो सॉरी, फायरफॉक्स खुल गया। रिटेल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे उबुंटू 18.10 है। तो बेसिकली जो है फायरफॉक्स खुल गया बोलेडा। तो ये प्रूफ है कि ये उबुंटू 18.10 है। तो बेसिकली अगर आपका सिस्टम बहुत ही स्लो हो रहा है किसी भी रीजन से, बहुत ही ज़्यादा रैम यूज कर रहा है, देख सकते हैं मेरा जो है सो अभी 1.3 GB रैम यूज कर रहा है, जबकि मैंने बहुत सारा सॉफ्टवेयर अभी बूटअप किया है और सॉफ्टवेयर सब जो है सो बहुत सारा मेरा बंद है। ठीक है, उसके बाद पहले जो है सो 1.5 1.6 ऐसे यूज करता था उबुंटू 18.10, समझ गए। तो उसको कम किए हैं। तो इसको कम करने का एक तरीका है आसान सा, आपको बताते हैं अभी। हाँ, तो बेसिकली आपको करना ये है कि आपको स्टार्टअप ऐप्स बंद करना है। ठीक है, तो आप उबुंटू के मतलब सर्च बार में चले जाइए, कैसे भी कीजिए सर्च बार में जाइए, यूनिटी में यहाँ पे बेसिकली ऊपर में यहाँ पे गोल सा होता है उसमें यूनिटी में, और उबुंटू 18.10 में नीचे में होता है, शायद नीचे में होता है। ठीक है, तो और इस उबुंटू यूनिटी में ऊपर में भी ये जो साइड है जहाँ पे एप्पल का लोगो मेरे में दिख रहा है उसमें भी क्लिक कीजिएगा तो ये सर्च बार आ जाएगा। तो इस सर्च में टाइप कीजिए स्टार्टअप ऐप, स्टार्टअप एप्लीकेशन खुल गया, इस तरीके का कुछ खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको हम डिजेबल करके रखे हुए हैं। तो बेसिकली आप पे ये सब शो नहीं करेगा, ठीक है, आप पे वही शो करेगा जो आप बाद में इंस्टॉल किए हैं। तो ये सब शो कराने के लिए आपको बेसिकली एक कमांड रन करना पड़ता है टर्मिनल में। तो बेसिकली टर्मिनल ओपन कर ले और sudo su टाइप करें, जिसे सुपर यूजर में जाएंगे उसके बाद अपना पासवर्ड डाल लें। बेसिकली आप सुपर यूजर में आ गए और उसके बाद एक कमांड रन कर रहा है, वो कमांड है आराम से sudo स्पेस sed स्पेस डैश छोटा वाला i स्पेस ऊपर में डबल कॉमा को क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, उसके बाद एस, उसके बाद स्लैश, उसके बाद नो डिस्प्ले इक्वल टू ट्रू स्लैश नो डिस्प्ले इक्वल टू फॉल्स स्लैश जी ऊपर में डबल कॉमा स्पेस स्लैश, जैसे जैसे टाइप कर रहे हैं उसके बाद वैसे वैसे टाइप कीजिएगा, ETC स्लैश XDG स्लैश ऑटो स्टार्ट। थोड़ा लंबा है स्लैश, उसके ऊपर में स्टार डॉट डेस्कटॉप, इसको टाइप कर लीजिए एक बार, गौर से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। फिर से sudo लिखा हुआ है एकदम करेक्ट, उसके बाद सेड लिखा हुआ है स्पेस के साथ, उसके बाद स्पेस के साथ आए, उसके बाद एस नो डिस्प्ले इक्वल टू ट्रू स्लैश नो डिस्प्ले इक्वल टू फॉल्स, उसके बाद जी है, उसके बाद जी के ऊपर में कॉमा है, उसके बाद एटसेट्रा XDG ऑटो स्टार्ट स्लैश स्टार है, उसके बाद डॉग डेस्कटॉप। इस कमांड को आप एंटर कर दीजिए, उसके बाद कुछ इस तरीके का हो जाएगा।
ये कमांड एंटर करने के बाद जब आप ओपन करेंगे अपना स्टार्टअप ऐप, तो इससे बहुत सारा ऐप आपको दिखेगा। तो अब उसके बाद इसमें डिसाइड कर लीजिए किस ऐप को जो है स्टार्टअप पे रन करना है और किस ऐप को डिजेबल करना है। तो आप मेरे में से देख सकते हैं किस ऐप को स्टार्टअप पे बंद करना है, किस ऐप को डिजेबल करना है, गौर से देख लीजिए। क्योंकि उसके अलावा आप कोई भी ऐप डिजेबल करने की कोशिश कीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा इसको, तो उसके बाद होगा ये बेसिकली कि आपका सिस्टम जो है सो क्रैश करेगा, या आपका सिस्टम जो है सो बेसिकली आपके सिस्टम के साथ कभी कुछ काम नहीं करेगा तो कभी कुछ काम नहीं करेगा। बेसिकली वो इसका रीज़न होगा कि वो स्टार्टअप ऐप्स में आप उसको डिजेबल कर दीजिएगा जो ज़रूरी ऐप है। तो जिस जिस को हम क्या कहते हैं टिक किए हुए हैं वो सब ज़रूरी ऐप है, तो उस सबको बेसिकली आपको जो है टिक ही रहने देना है, बाकी सबको आप ऑफ कर सकते हैं। खासकर जीनोम वाले जितने ऐप है उस सबको जो है ओपन ही रहने दे रहा है। तो यही सब ये चूज करने में हमको बहुत टाइम लग गया इसको एक एक करके एक्सपेरिमेंट करने में। तो इससे आप देख सकते हैं कौन कौन सा ऑन रखना है, और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से बाद में ऑन भी कर सकते हैं। तो यही था। उसके अब बाद आपका बेसिकली जब आप रीस्टार्ट कीजिएगा तो उतना सारा जो है रिसोर्स नहीं यूज करेगा, उतना ज़्यादा मेमोरी यूज़ नहीं करेगा, तो बेसिकली आपका सिस्टम थोड़ा फास्ट चलेगा। तो ये ट्यूटोरियल यही समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।